मेरी झोपड़ी। UPSSC ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो है विज्ञापन संख्या 23/2016 सम्मिलित तकनीक सेवा चयन परीक्षा जो हुई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। क्या प्रोसेस है और क्या शेड्यूल है, ठीक है, तो सारा कुछ देख लीजिए आप। ये इन्होंने 21 मार्च यानी कि आज निकाला है, 21 मार्च को पूरा समझ लीजिए आप। ये सम्मिलित तकनीक सेवा परीक्षा के अंतर्गत 9 विभागों में 21 प्रकार के 292 रिक्त पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। ये 2016 का है मैटर। अब क्या है, 11 मार्च 2024 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत कुल 44 पदों को कम कर दिया गया था, ठीक है, और परीक्षा के स्कोर के आधार पर डिपार्टमेंटल और पदवार श्रेणीवार चिन्हित कुल 3513 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, के लिए बुलाया गया है। तो ये देख लीजिए 3513 जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा जो कि 23 अप्रैल को जाएगा तक जाएगा, और पाली 1 में 160 10 बजे से शुरू होगी, और पाली 2 जो है वो 1:30 बजे से शुरू होगी, उसमें भी 160 बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अब इन्होंने कहा है, UPSSC ने कहा है कि अभिलेख परीक्षण हेतु यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चिन्हित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ से अपनी वांछित प्रविष्टियाँ अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनका लेटेस्ट अपडेट है। आप चैनल में पहली बार आए हैं और UPSSC या UPSC या UPPSC के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रेगुलर बेस पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।